खूंटी जिले में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। खूंटी थाना इलाके में एक पिता पर अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। शिकायत मिलने के बाद खूंटी थाना पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। खूंटी थाना इलाके में एक पिता ने हैवानियत की हद पार करते हुए अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। आरोप है कि विरोध करने पर वह अपनी इकलौती बेटी को बेरहमी से पीटता और माँ को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। जानकारी के अनुसार 4 जुलाई दोपहर लगभग 12 से 1 बजे के बीच जब आरोपी की बेटी स्कूल से घर लौटी तब घर में कोई नहीं था। लड़की की मां उसके मौसी के घर गई हुई थी। घर में अपनी बेटी को अकेला पाकर आरोपी पिता ने बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान उसने अपनी बेटी का अश्लील वीडियो भी बनाया, हालांकि बाद में उसे डिलीट कर दिया। इस दौरान जब उसकी नाबालिग बेटी ने विरोध किया तो उसकी बेरहमी से बेल्ट से पिटाई की। इस दौरान वह टीवी का साउंड बढ़ा देता था ताकि बेटी के रोने की आवाज बाहर सुनाई न दे। आरोप है कि पिता ने अपनी इकलौती बेटी के साथ काफी पहले से ही गंदी हरकतें करता था, लेकिन जब पिता ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और अपनी बेटी को यातनाएं देने लगा तो उसने अपनी मां को पूरी बात बताई। इसके बाद मां और बेटी दोनों खूंटी थाना पहुंची और मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई। स्थानीय थाना में कांड संख्या 15/2022 के तहत 376/2 पोक्सो, 223, 504, 503, 4/6 समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। इधर एसपी अमन कुमार ने बताया कि शिकायत के बाद कांड दर्ज करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है और पीड़िता छात्र की मेडिकल जांच कराई जा रही है। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।